हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्स मी। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ द बेनाइन एसे ऑन ऑनलाइन कोर्सेज। इफ़ यू वांट टू वॉच द इंट्रोडक्शन टू दिस एसे, यू कैन गो टू द वीडियो पोस्टेड प्रीवियस टू दिस वन। एंड दिस इज़ बेनाइन सैम्पल। आई बेट दैट, आई गारंटी दैट यू कैनॉट गेट एनी आंसर दैट इज़ बेटर देन दिस वन। द आंसर दैट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो, यू कैनॉट गेट एनी आंसर बेटर देन दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑनलाइन कोर्सेज, दिस इज़ क्वाइट कॉमन टॉपिक। एंड इफ यू लाइक द आंसर, please go on the WhatsApp number that is being given on the screen. If you want to get trained on writing IELTS essay like these, let's come to the BP1। एंड यहाँ मैंने चूज़ किया है कि मैं दो एडवांटेजेस के बीपी बनाऊंगी, लास्ट में डिसएडवांटेजेस का एक डिसएडवांटेज एक डिसएडवांटेज दूंगी, और वो कैसे देनी है वो भी आपने देखना। तो अभी ऑन दी वन हैंड वी हैव रिटन इट इज़ बियॉन्ड डाउट डाउट दैट, तो ये तीसरी लाइन है। पहले मैंने बताया था इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, एंड देन मैंने बताया कि देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, एंड दिस इज़ इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट। इसका भी वही मतलब है कि डाउट नहीं किया जा सकता। दैट ई कोर्सेज मेक द एजुकेशन फ्री फ्रॉम ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। ई कोर्स एजुकेशन को ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन से फ्री करता है। मीनिंग दैट कल बताया था मैंने कि जिसका मतलब ये होता है कि मीनिंग दैट विच मीन्स की जगह मीनिंग दैट लिखा था, विच मीन्स दैट की जगह मीनिंग दैट। यहाँ हमने लिख दिया इम्प्लाइंग दैट, जिसका ये मतलब होता है कि। अब ये चीज़ें स्टूडेंट यूज़ तो कर लेते हैं, बट उसके बाद आइडिया कुछ और ही आ जाता है। अब उसके बाद वही लिखोगे ना जो उसका मतलब वाकई में होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस से फ्री हो जाती है एजुकेशन, इट मीन्स सभी पढ़ सकते हैं, दूर दूर के लोग भी पढ़ सकते हैं जिन अपने दूर की यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहले तो मीनिंग दैट का मतलब हमने इम्प्लाई, उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया इम्प्लाइंग दैट। इम्प्लाई का मतलब भी मीन्स होता है। तो इम्प्लाइंग दैट पीपल्स ऑल ओवर द ग्लोब कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। अवेल मतलब गेट हो गया, आई रिपीट, अवेल मतलब गेट। कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम द वर्ल्ड्स रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ दैट आर फार अवे फ्रॉम देयर होम टाउन। दो दे कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम वर्ल्ड्स रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ दैट आर फार अवे फ्रॉम द होम टाउन, जो कि उनसे दूर हैं। उन रिनॉन्ड मीन्स पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद ये वेन काट के मैंने सिंस लिखा है, सिंस है यहाँ पर, सिंस से मैंने सेंटेंस बनाया, और सिंस होता है बिकॉज, क्योंकि। तो इसमें मतलब मैं रीज़न पहले देने जा रही हूँ, फिर मैं उसका इफ़ेक्ट बताऊँगी, यानी पहले मैं कॉज दूँगी फिर इफ़ेक्ट। तो ये देखना कि कैसे मैंने पहले बताया कि सिंस ज्योग्राफिकल फ्रॉन्टियर्स रिमेन नो बार फॉर एजुकेशन। फ्रॉन्टियर्स होता है बाउंड्रीज, क्योंकि अब आइडिया चेंज नहीं है, वही आइडिया है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं हमारी वो बार नहीं रह जाती। रिमेन मतलब रहती, बार मीन्स रिस्ट्रिक्शन, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाती, कॉमा। फिर क्या होता है आगे, उसका इफ़ेक्ट बताना है, इससे क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, दो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। अब अगर ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो इट मीन्स हम असेस कर पाएंगे एजुकेशन को कहीं से भी, तो एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी और क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है, तो हम कोई भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, कॉम्पिटिशन आ जाएगा इंस्टीट्यूट्स में, तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो लिखा क्या ऐसे है कि क्योंकि ज्योग्राफिकल फ्रॉन्टियर्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाते, तो अ ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट या अमेल्योरेशन, अमेल्योरेशन होता है इम्प्रूवमेंट, अ ग्रेट डील ऑफ अमेल्योरेशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद रिगार्ड टू, मीन्स किसके रिगार्ड में, असेसिबिलिटी एंड क्वालिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में असेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। अब सिंस वाला जिससे नहीं बनता, अब वो ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस बताती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव्स, इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज देयर इज़ नो बार इन द एजुकेशन सिस्टम, देयर इज़ नो बार ऑफ द फ्रॉन्टियर्स, क्योंकि फ्रॉन्टियर्स की कोई बार नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रॉन्टियर। तो ये लाइन तो समझ आ रही है कि क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव्स बिकॉज देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रॉन्टियर्स। तो यहाँ पर जब ये समझ आ रही है, तो बिकॉज वाला बस हमने कुछ नहीं करना, उठा के पहले ले आना है कि क्योंकि फ्रॉन्टियर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर क्या होता है, कॉमा डालना है, सो नहीं लिखना, इसीलिए के लिए सो नहीं लिखना, इसीलिए क्या होता है, अ ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। टू इलस्ट्रेट, ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके क्या कर रही हैं,
इसमें सिर्फ मैंने अब असेसिबिलिटी का एग्जांपल दिया कि हम दूर दूर तक पढ़ सकते हैं, तो सॉरी उसी का आइडिया दिया, तो एग्जांपल भी मैं वही दूंगी कि वो फॉरेनर फॉरेन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ अब पढ़ा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, तो यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेनली वो आइडिया है, तो उसी का एग्जाम्पल दिया है। तो टू इलस्ट्रेट ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन द UK इम्पार्ट, पहले तो इम्पार्ट वर्ड देख लो, इम्पार्ट होता है जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो गिव की जगह उस केस में हम इम्पार्ट लगा सकते हैं और वो ज़्यादा सही रहता है, इम्पार्ट नॉलेज या इम्पार्ट एजुकेशन। तो टू इलस्ट्रेट ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन UK इम्पार्ट हायर हायर एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन भी हायर एजुकेशन को कहते हैं, वाया इट्स वेब पोर्टल। वाया इट्स वेब पोर्टल मीन्स बहुत सारी UK यूनिवर्सिटीज़, अगर इट्स बहुत सारी है तो देयर आएगा, यहाँ पे मैंने इट्स लिखा है, तो वाया देयर वेब पोर्टल, वेब पोर्टल हो गया वेबसाइट्स, वाया देयर वेब वेबसाइट्स के लिए वेब पोर्टल टू एटलीस्ट 30-40% ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स। तो 30-40% ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रही हैं वेबसाइट्स के दौरान, ये एग्जाम्पल हो गया क्योंकि हमारा आइडिया वही था कि फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे। 30-40 को हमने वर्ड्स में लिखना, नंबर्स में नहीं लिखना, जैसे कि मैंने इंडिकेट किया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड BP,